Electric field at the equator of a dipole is E. If strength and distance is now double, then the electric field will be. तो देखो इक्वेटर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब. नाउ क्वेश्चन में उसने क्या दिया है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब डाइपोल मोमेंट डबल की है. तो जो आपका नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा पी की जगह पे 2p होगा, आर की जगह पर 2r होगा, तो 2r का क्यूब. तो ये क्या आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, मतलब ये क्या आ जाएगा 1/4 kp डिवाइडेड बाय r क्यूब. एंड kp बाय r क्यूब क्या है आपके पास, ये है e, तो ये आ जाएगा e डिवाइडेड बाय 4. तो e डैश इज इक्वल टू e बाय 4. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन इज सी.